हेलो दोस्तों, मैं रुपेश और फिर से स्वागत है हमारे चैनल एयर ऑटो ब्लॉग्स में। वैसे कहते हैं फ्रेम में जो गाड़ी देख रहे हैं भाई, ये रहने वाली है ऑल न्यू 2023 का मारुति सुजुकी का और से फ्रॉन्स। आपका जो वेरिएंट रहने वाला है ये आपका डेल्टा वेरिएंट रहने वाला है। इसमें आपको जो वेरिएंट ऑफर किए जा रहे हैं सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस और अल्फा, ए जेटा और अल्फ़ा। तो भाई इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हो जा रहे हैं लोगों को कि आपको मतलब कौन सा लेना चाहिए वेरिएंट। तो भाई इस वेरिएंट, ये जो वेरिएंट है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा में क्या क्या नहीं मिलता है डेल्टा प्लस से वो मैं वीडियो में सारा कुछ बताते जाऊंगा। तो उससे पहले भाई बात कर लेते हैं जो प्राइसिंग है गाड़ी की, वो आपको 886,000 आपको एक शोरूम पड़ता है, और डेल्टा प्लस का जो है वो 872,000 एक शोरूम है। ये दोनों प्राइस डिफरेंस है, इतने 30,000 के अप्रॉक्स में इसका जो प्राइस डिफरेंस है वो है। और रही बात भाई जो गाड़ी में क्या क्या नहीं मिल रहा है, तो आपको इसमें LED हेडलैम्प नहीं मिलते हैं, एलॉय व्हील नहीं मिलते हैं, और SH मतलब ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हैं, बाकी आपको सब वो मिल ही जाता है जो आपको उसमें मिल रहा है। और इंजन की बात करें तो भाई आपको डेल्टा प्लस से ही आपको दो वेरिएंट मतलब दो इंजन ऑप्शंस मिल जा रहे हैं, एक 1.2 लीटर का और एक रहने वाला है 1.0 लीटर का टर्बो इंजन। तो इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जा रहे हैं, टर्बो और नॉन टर्बो। तो इसमें अगर बात करें तो भाई इसमें आपको है 1.2 लीटर का जो डुअल जेट या डुअल VVT इंजन है वो मिल जा रहा है, जो भाई अगर इसकी ऑन रोड कीमत की बात करें तो ऑन रोड कीमत आपको पड़ जाता है 954,000। फिलहाल मैं हूँ सराइड हिला धनबाद में, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ के नंबर्स और कॉन्टैक्ट वगैरह सारे कुछ दे दिए जाएंगे, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके सारा कुछ पूछ सकते हैं कि आपको कितने दिनों में ये गाड़ी मिल जाएगी। और फिलहाल तो भाई इस गाड़ी की जो वेटिंग है वो भी अच्छी खासी दे दी गई है, तो होप आपको गाड़ी अगर आपने बुकिंग करवाई है तो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में बताना भाई आपको जो फ्रॉन्स का जो कलर है वो कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। जनरली भाई मैंने अभी ये एक जो इसका ब्लू है वो देखा, और इधर आपका एक ग्रे है वो है। तो चलिए बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी की इंजन्स वगैरह के बारे में। तो इसमें आपको 1.2 लीटर का डुअल जेड VVT इंजन मिल जाता है। इसमें पावर फिगर्स वगैरह की बात की जाए तो भाई जो पावर फिगर है वो 89 BHP का पावर मिल जाता है, साथ में 113 Nm का टॉर्क मिल जाता है। तो चलिए आपको इंजन भी दिखा देते हैं साथ ही साथ। तो कुछ मतलब देखा जाए तो उतना जो टर्बो से है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ टर्बो टर्बो होता है, वो 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर है। देख सकते हैं कुछ ऐसा रहने वाला है इसका इंजन बे। यहाँ पे आपको बोनेट पे डैम्पिंग वगैरह किए हैं, साउंड प्रूफिंग है, नीचे में इंजन गार्ड भी आपको दे दिया गया है, तो सही है, जो चूहा वगैरह अटैक रहता था वो नहीं करेगा अब। और गाड़ी के भाई अगर जो डायमेंशंस वगैरह है उसके बारे में बात करें तो आपको इसमें लेंथ मिल जाता है 3995 mm का, इसमें आपको लेंथ मिल जाता है। चौड़ाई की बात करते हैं तो 1765 mm इस गाड़ी का चौड़ाई मिल जाता है। गाड़ी की हाइट की अगर बात करें तो 1550 mm इस गाड़ी का हाइट मिल जाता है। और व्हीलबेस देखा जाए तो आपको व्हीलबेस 2520 mm मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो भाई 180 mm इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, 180 या फिर 190 के अप्रॉक्स में है। कमेंट में आप बता देना कि भाई कितना है। तो चलिए ये सब हो गया गाड़ी की जो डायमेंशन वगैरह है वो। और भाई मतलब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा तो चलते हैं डायरेक्ट फ्रंट पे आते हैं। यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, इधर आपको पूरा क्रोम इंसर्ट्स मिल जा रहा है, मैट फिनिश में आपका ग्रिल मिल जाता है, नीचे में एयर डैम्प, और फ्रंट में आपको जो स्केट इसका स्केट है, स्केटिंग जो है वो डुअल टोन में रहने वाला है, सिल्वर फिनिश में मिल जाता है, और इधर ऊपर आपका मैट ब्लैक रहने वाला है। इधर देखते हैं तो भाई आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जा रहे हैं, यहाँ आपका पायलट लैम्प मिल जा रहा है, और यहाँ देखते हैं तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प रहने वाले हैं जो हेलोजन में ही रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको मैट फिनिश मिल जाता है, और जिसमें LED सेटअप आता है जो डेल्टा प्लस है उसमें यहाँ पे पियानो रहता है, और यहाँ पे आपको जो DRL है वो मिल जाते हैं। और इधर देखते हैं तो भाई SH बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं तो फ्रंट में दो वाइपर मिल जा रहे हैं दो वॉशर के साथ। इधर देखते हैं तो भाई आपको इसमें स्टील रिम मिल जा रहे हैं, टायर सेक्शन आपका सेम है, 195/60 R16।
जो इसमें विल कैप है वो ऑफर किए जा रहे हैं ब्लैक स्टील डिम के साथ में। आगे में डिस्क, पीछे में ड्रम मिल जाते हैं। फेंडर पे आपको प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है ताकि थोड़ी सी गाड़ी क्रॉसओवर वाली लुक दे सके। इधर पे रनिंग बोर्ड में भी देखते हैं तो भाई आपका यहाँ पे पूरा प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है, और साथ में विंडो लाइन जो आपका डोर लाइन है नीचे उसमें भी यूज़ किया गया है। और इधर देखते हैं बॉडी कलर्ड ORV मिल जा रहा है, इसी में आपको टेंट गेटर मिल जा रहे हैं। इधर देखते हैं बॉडी कलर्ड आपका डोर हैंडल, इसमें कोई भी रिक्वेस्ट से बटन वगैरह नहीं मिलते हैं। और बात करें भाई गाड़ी की को लेके तो बस सेम ही की है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सोचा था कि फ्रंट आएगी तो उसमें मे बी चाबी कुछ चेंज करके आएगी, बट ऐसा नहीं है। और इधर देखते हैं तो आपको इसमें भी आपको रूफेल्स तो मिल जा रहे हैं दोनों में ही, डेल्टा में और डेल्टा प्लस में भी। इसमें भी आपको शार्कफिन एंटीना मिलता है। और देखते हैं भाई बस वेट है हमें सिग्मा का, सिग्मा में क्या कुछ कैसा रहता है क्या रहता है इसका बहुत जल्द आपको अपडेट मिल जाएगा। और ऐसा कुछ भाई इसका रियर डोर भी देख सकते हैं आपको, इसमें भी वही आपका मैट फिनिश में आपको बी पिलर मिल जाता है। सी पिलर में भाई तो आपका यहाँ पे क्वार्टर पैनल मिल जा रहा है। और ऐसा कुछ रहने वाला है गाड़ी का बैक प्रोफाइल में बात करें तो भाई आपको भी यहाँ पे LED मिल जा रहा है, जो पार्किंग पे रहते हैं तब वो जलते हैं। ये आपका रिफ्लेक्टर रहने वाला है, यहाँ पे आपका ये रिवर्स लाइट, ये आपका टर्न इंडिकेटर, नीचे में रिफ्लेक्टर, चार पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहे हैं। इधर देखते हैं तो हाई माउंट स्टॉप लैंप, रियर डिफॉगर, और यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है। इधर देखते हैं तो LED में आपके रहने वाले हैं लाइसेंस प्लेट की लाइट, और कभी कैमरा वगैरह नहीं है। यहाँ देखते हैं तो भाई इसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बटन है वो मिल जाता है बूट ओपनिंग के लिए। इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे मिल जा रहा है, 308 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। स्पेयर व्हील की बात करें तो आपका स्पेयर व्हील 195/60R16 सेम आपका स्पेयर व्हील भी रहने वाला है। इधर आपका टूल बॉक्स, इधर थोड़ी बहुत जो बूट लैंप वगैरह नहीं है यहाँ भी थोड़ी बहुत स्पेस मिल जा रही है आपको। और सीट को आप 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं, और इस पार्सल ट्रे को भी आप ऐसे उतार सकते हैं। देख सकते हैं भाई ये सही है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं आपका। ये बूट बंद करने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल प्लेस है ये। और इधर देखते हैं भाई फ्रॉन्स की बैजिंग मिल जा रही है, नीचे में डिफ्यूज़र। आपका रियर बम्पर की बात करें तो आपको यहाँ पे ड्यूल टोन में आपका रियर बम्पर मिल जा रहा है जो सिल्वर ब्लैक में रहने वाला है। ओवरऑल भाई वैसे सारी कुछ हो गई हमारी कंप्लीट। यहाँ से देखते हैं फिल कर सकते हैं आपका जो 37 लीटर इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आता है। और ऐसा कुछ रहने वाला है आपका रियर डोर की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच मिल जा रहा है, थोड़ी सी कुशनिंग है। यहाँ पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं, इसका लॉक अनलॉक का जो हैंडल है वो ब्लैक में रहने वाला, क्रोम नहीं आता है इस ब्रांड में। यहाँ 1 लीटर बॉटल होल्डर, इसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, सिर्फ स्पीटर्स वगैरह नहीं है। और ऐसा कुछ है भाई रियर सीटिंग, इसमें भी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जा रहे हैं, साथ में 3-point सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं पीछे में, तो सही है। सेफ्टी को अच्छा नज़र रखा गया है, इसमें आपको सेफ्टी के तौर पे 2 एयरबैग मिल जाते हैं। इसमें भी आपको रियर AC वेंट वगैरह नहीं मिलते हैं, सिर्फ 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाता है देख सकते हैं, और एक छोटा सा हम्प भी दिया हुआ है। और लाइट्स वगैरह की बात करें तो भाई इसमें आपको यहाँ पे कैबिन लाइट मिल जा रहा है जो हैलोजन में ही रहने वाले हैं। तो चलिए जाते हैं ड्राइवर साइड की ओर और देखते हैं क्या कुछ ड्राइवर साइड मिल जाता है। तो ऐसा कुछ रहने वाला ड्राइवर साइड का डोर, यहाँ देखते हैं तो आपको वही ड्यूल टोन में आपका जो इंटीरियर है वो है, यहाँ पे सॉफ्ट टच। इधर आपको ये जो है प्लास्टिक पेंट किया हुआ ना कि सॉफ्ट टच है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जा रहा है मैट में। लॉक एंड लॉक का हैंडल, यहाँ ORVM के कंट्रोल्स आप इसी से फोल्ड एंड फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ सेंट्रल लॉकिंग बटन, ये आपका जो ड्राइवर साइड का डोर है वो ऑटो डाउन ऑटो अप है, और चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे 1 लीटर बॉटल होल्डर, इधर स्पीकर टोटल सही आते हैं। सीट्स की बात करें तो सीट्स आपका यहाँ से आप रिक्लाइन वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से आप सीट्स को आगे पीछे कर सकते हैं। बाकी सीट्स में आपको हाइट एडजस्टेबल वगैरह कुछ ऑफर नहीं किया जाता। यहाँ देखते हैं तो आपका ABC पैडल, उधर डेट पैडल, यहाँ से आप फ्यूल आपका जो फ्यूल कैप है वो ओपन कर सकते हैं, और यहाँ से अपने बोनेट को, यहाँ थोड़ी बहुत स्पेस मिल जा रही है। इधर देखते हैं तो हेडलाइट लो स्विच मिल जा रहा है, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप का आपका बटन, और ये आपका ESP का बटन जो ट्रैक्शन कंट्रोल होता है उसको ऑन ऑफ करने के लिए। चलिए लगाते हैं की को और देखते हैं क्या कुछ इसका वेलकम है।
ऐसा कुछ इसका वेलकम है, इसका जो नीडल वो स्वैप वगैरह तो नहीं होता है। इधर देखते हैं टैकोमीटर, इधर आपका स्पीडोमीटर जिसमें आपको 220 की मार्किंग मिल जाती है, इधर वार्निंग लाइट्स मिल जा रहे हैं, और ये इसके दो डंडे जो मारुति का हर आपको लगभग गाड़ी में नज़र आ ही जाती है। आप इससे अपने जो एवरेज वगैरह है उसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, और इधर से अपने टोटल किलोमीटर ट्रिप ए और ट्रिप बी को देख सकते हैं। बीच में देखते हैं भाई, यहाँ पे अगर आपका डोर ओपन है तो यहाँ पे आपका ये लोगो बन के आता है डोर ओपन का। अगर आप रिवर्स गियर भी लगाते हैं तो भी आपका यहाँ पे पार्किंग सेंसर वाला वो आ जाता है। ऊपर में टाइमिंग शो हो रहा है, यहाँ पे आउटडोर टेम्परेचर, इधर फ्यूल गेज, इधर टेम्परेचर गेज, और नीचे में टोटल किलोमीटर वगैरह सारे कुछ शो होते हैं। ऐसे ये रहा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सारा कुछ। बात करें स्टेयरिंग व्हील की तो ऐसा कुछ रहने वाला स्टेयरिंग व्हील। और भाई स्टेयरिंग व्हील में एक चीज़ है कि इसमें आपको जो नीचे से डीकट मिल जाता है, कोई भी लेदर रैप वगैरह तो नहीं मिलता है। इधर आपको इंफोटेनमेंट के, आपको जो इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स है वो मिल जाते हैं, यहाँ सुजुकी के लोगो। आपका एक एयरबैग यहाँ है, एक आपका को ड्राइवर साइड है। इधर देखते हैं तो आपको ब्लूटूथ के कनेक्टिविटी के कंट्रोल्स मिल जा रहे हैं। अगर स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ आपको इसमें टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं है। इधर देखते हैं तो एसी वेंट के सराउंडिंग में आपको कार्बन फिनिश मिल जा रहा है, और ये भी आपका पेंटेड पार्ट रहने वाला है, ना कि सॉफ्ट टच है। इधर आते हैं तो आपका ये जो इंफोटेनमेंट है, इंफोटेनमेंट में आपका सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सारे लगभग ये फीचर्स सपोर्ट कर लेता है। और भी ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको देता है, जैसे आपका जो एवरेज वगैरह है वो भी सारा कुछ बताते रहता है। बाकी कनेक्टिविटी में आप देखें तो आप ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर केबल, या फिर वाईफाई से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इधर देखते हैं आपको दो एसी वेंट मिल जा रहे हैं, यहाँ आपका हैजार्ड का बटन मिल जा रहा है, इधर आपको पूरा कार्बन फिनिश मिल जाता है, और इधर आपको ग्लॉसी सिल्वर जो कि काफ़ी प्रीमियम वाला फील देता है। इधर देखते हैं तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जा रहे हैं, यहाँ पे आपका यूएसबी पोर्ट, और इधर आपका 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जा रहा है, दो कप होल्डर मिल जा रहे हैं, और इधर भी आपको पूरा कार्बन फिनिश मिल जाता है गियर के सराउंडिंग में। ये आपका 5 फीट मैनुअल गियर बॉक्स, इसमें आपका ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये आपका मैनुअल हैंड ब्रेक, इसमें भी आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आते हैं, इसके लिए आपको अदर टॉप वेरिएंट में जाना पड़ेगा। यहाँ देखते हो तो वही आपका लाइन, आपका जो वाइन रेड है उसका कलर पेंटेड किया हुआ है यहाँ पे ये पार्ट। ये आपका ग्लव बॉक्स, ये देखते हैं तो आपको मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM मिल जा रहे हैं। ये देखते हैं सनसेट, इसमें कोई भी टिकट होल्डर या आपको मिरर नहीं मिलते हैं। यहाँ देखते हैं तो दो आपको कैबिन लाइट्स मिल जा रहे हैं जो हेलोजन में रहने वाले हैं। इधर देखते हैं सनसेट में आपको मिरर मिल जा रहा है को ड्राइवर साइड। और सीट्स की बात करें तो भाई इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट सीट्स मिल जाते हैं। इधर देखते हैं तो सीट्स बेल्ट जो आपको नॉर्मली रहने वाले हैं। तो बस भाई इसी के साथ वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे अगले से नए वीडियो में। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।